तो आज हम जानने वाले हैं कि भाई हमें खाना कितनी बार खाना चाहिए, किस समय खाना खाने से हमारे शरीर में बल बढ़ेगा, किस समय खाना खाने से हमारे शरीर में ताकत बढ़ेगी, जिससे खाए हुए अन्न का एक एक कण हमारे शरीर में लगेगा। सप्त धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। किस समय खाना खाने से सप्त धातुओं का निर्माण होगा। कुछ समय पहले मैंने YouTube पर ही एक ये पोस्टर पोस्ट किया था, तो उसमें कुछ महानुभाव बोलने लगे कि YouTube पर तो ये ज्ञान देना बहुत सरल है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो YouTube वीडियो बनाते हैं, जो इस तरह की नॉलेज देते हैं, उनको चूतिया बोलना भी सरल है। भाई कौन सवाल उठा रहा है? इसमें मैंने ये लिखा था कि एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी और तीन बार खाए रोगी। अब इस कथन को लोगों ने दिल पर ले लिया और समझ लिया कि जो एक बार खाता है वही सही होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दो बार भी खाते हैं तो भी कुछ नहीं, अगर आप तीन बार खाते हैं तो भी कुछ नहीं, अगर आप चार बार भी खा लेते हैं, यानी कि किसी किसी कंडीशन में कोई लोग इतने भुक्कड़ होते हैं, यानी कि उनकी जठर अग्नि इतनी तीव्र होती है कि दो से तीन बार में भी उनका पेट नहीं भरता। लेकिन वो लोग तो सुन रखे हैं कि एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी। तो यार हमें तो तीन बार से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, और ऐसे में वो क्या करेगा कि भूख को रोक लेगा, और जैसे ही वो भूख के वेग को रोकना शुरू करेगा उसकी धातुएं नष्ट होने लगेगी, उसका शरीर दिन पे दिन दुर्बल होता जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कितनी बार खाना सही है। आयुर्वेद में कहा गया है कि दो बार, यानी कि व्यक्ति को सिर्फ दो बार ही नेचुरल भूख लगती है, और वो नेचुरल भूख ऐसी होती है कि आप दो सूखी रोटी भी खाएंगे, बिना नमक की सब्जी के साथ खाएंगे तो भी आप वो रोटी खा सकते हैं, क्योंकि वह नेचुरल भूख आपके जीव में नहीं आपके पेट में है, और ये वो भूख नहीं होती जो कि पिज्जा बर्गर की खुशबू सूंघकर होती है। अब ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनका दो बार में पेट नहीं भरता, तब ऐसे में वो तीन बार खाएं, तीन बार में नहीं भरता तो चार बार खाएं। बस इससे ज्यादा अगर आप खाना खाते हैं तो वह आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि जब आपने खाना खा लिया है तो उसके तीन घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खाना खाने का सही समय। मान लीजिए कि आप दिन में सिर्फ दो बार ही खाना खाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 11 बजे से पहले पहले आपका पहला खाना हो जाना चाहिए और शाम को 7 बजे के पहले आपका दूसरा खाना खत्म। चलो अब मान लो कि आप दिन में तीन बार खाना खाते हैं, पेट की जठर अग्नि बहुत स्ट्रांग है, दो बार में काम नहीं चलेगा। तब ऐसे में वो व्यक्ति दिन में तीन बार खाना खाते हैं, तब उनको ये ध्यान रखना है कि 9 बजे से पहले पहले आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, 1:30 बजे से पहले पहले उनका लंच हो जाना चाहिए, और शाम का डिनर उनका 7:30 से पहले हो जाना चाहिए। अब चलो मान लो कि तीन बार में भी आपका पेट नहीं भर रहा, तो दिन में चार बार खाना खाएं। सुबह 8 बजे नाश्ता, 12 बजे लंच, शाम को 4 बजे थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना, और 7:30 से 8 के बीच में आपका डिनर। अब आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि यार वो लोग तो दिन में 6 बार खाना खाते हैं, तब उनको तो कुछ नहीं होता। चलो 6 बार खाना खा रहे हैं, सालों साल से 6 बार खाना खा रहे हैं, तब भी उनको कुछ नहीं हुआ। अगर उनको कुछ नहीं हो रहा तो इसके तीन कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। पहला कि या तो वो जवान है, दूसरा कि या तो वो व्यायाम करते हैं, और व्यायाम यानी कि पसीना बहाव व्यायाम, और अंत में तीसरा कि उनकी जठर अग्नि बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।